के सीरियल मेरे साई में हुई है भार्गवी चिरमुले की एंट्री, जो सीरियल में बनकर आई है साई बाबा की मुंह बोली बहन चंद्राताई बोरकर। तो चलिए आज भार्गवी से करते हैं खास मुलाकात और सास बहू और बेटियां में देखते हैं कि क्या खास है इनके कैरेक्टर में और कैसे ये बनती है भार्गवी से चंद्रा। तो सीधा चलते हैं उनके मेकअप रूम में, भार्गवी से जानते हैं चंद्राताई के बारे में और उनकी सीरियल में एंट्री के बारे में और वो इस सीरियल को लेके हैं कितनी एक्साइटेड। हाय, आज तक पे सास बहू और बेटियां इस शो में मैं भार्गवी चिरमुले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से मैं आपको दिखाई देने वाली हूँ मेरे साई इस धारावाहिक में चंद्राताई बोरकर के रोल में। चंद्राताई बोरकर ये मेरे साई मतलब मेरे साई का ऐसा किरदार है जो असलियत में एक किरदार हो चुका है साई बाबा जी की, वो मुँह बोली बहन थी, उनका किरदार मैं निभा रही हूँ। तो मुझे अपने आप को मैं बहुत किस्मत वाली समझती हूँ क्योंकि एक असली किरदार निभाने की जिम्मेदारी कुछ अलग ही होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ साथ एक आर्टिस्ट होने के नाते उस रोल में जाने के लिए मुझे मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम ये तो सब करना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरी टीम मेरे साथ में है, रवि जो मेरे मेकअप दादा है, सुलभाताई ये मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है और ये मुझे चंद्राताई बोरकर बनने में और चंद्राताई बोरकर के किरदार में जाने के लिए बहुत सारी मदद करने वाली है। जो कॉस्ट्यूम दीदी है अश्विनी, वो नीचे किसी और को रेडी कर रही, बाद में मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। चलो रेडी हो जाते हैं। सास बहू और बेटियां में आज आपको मिलवाते हैं भार्गवी चिरमुरे जी से, जिन्हें आपने कई सारे मराठी शोज़ में देखा है, फिल्मों में देखा है, कई सारे किरदार करते हुए देखा है और उनके लिए कहा जाता है कि वो अक्सर सीरियस कैरेक्टर करती है, बट इन रियल लाइफ शी इज़ नॉट एट ऑल सीरियस लाइक दैट, काफ़ी फन लविंग है एंड हियर शी इज़ विद अस इन सास बहू और बेटियां। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया और आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। वी वुड लव टू नो ये लुक के बारे में, किरदार के बारे में और वेलकम टू सास बहू और बेटियां। थैंक यू सो मच। और मैं जो किरदार निभा रही हूँ, मैंने जैसे कहा ये चंद्राताई बोरकर का कैरेक्टर है जो साई बाबा की मुँह बोली बहन थी, तो ये एक्चुअल रियल कैरेक्टर है। तो ये करते वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान रखनी पड़ने वाली हैं हमें कि वो उनकी अभी भी फैमिली फोर्थ जनरेशन लिव्स इन पार्ला, उन्होंने पार्ला में साई बाबा जी का मंदिर बांधा है, बनाया है, तो वो उनकी फैमिली अभी भी है। सो हमें किरदार करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनके जो इमोशंस हैं चंद्राभाई बोरकर को लेके और साई जी को लेके, वो कहीं भी हम उन्हें ठेस ना पहुँचाए, उन्हें दुख ना लगे। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो सीरियल है, थोड़ी लिबर्टी लेनी पड़ती है क्योंकि जो स्टोरी बांधनी होती है, पर वो लिबर्टी लेते वक्त उनकी फैमिली और उनके जो आज भी उनके वंश हैं उनको ऐसा महसूस हो कि प्राउड महसूस हो, उनको अभिमान लगे कि जब वो पार्ला में या कहीं लोगों को बताएं तो चंद्राताई बोरकर की स्टोरी जो मेरी दादी है, मेरी नानी है, जो भी उनके वंशज हैं, उनको अच्छा लगे कि मेरी बुआ, नानी, दादी, उनकी स्टोरी दिखाई जा रही है। तो हम पॉजिटिव वे में और एक्चुअली महिला सबलीकरण जो हम जिसे कहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कहानी दिखाने वाले हैं। और बात हम मेरे साई की करें तो मेरे साई शो की खास बात यही होती है कि हर बार एक नई कहानी, एक नया पहलू आपको दिखाया जाता है उस ज़माने का, जो इस वक्त देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट? यस ऑफ कोर्स यस। और जैसे मैंने कहा कि चंद्राताई बोरकर जो उनकी बहन है, उनकी स्टोरी हम सिर्फ उनकी बहन इस एंगल से नहीं दिखा रहे, उनकी लाइफ स्टोरी हम लोग
साई जी उस जमाने में भी कैसे महिलाओं को बढ़ती देने के लिए, महिलाओं को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए झगड़ने के लिए या फिर उनका हक मिलाने के लिए उनको कैसी मदद कर रहे थे, ये इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को दिखाने वाले हैं। वाओ, सो ये तो हुई कहानी की बात। अब मैं आती हूँ एक्चुअल भार्गवी जी पर। सो ऐसा क्यों कहते हैं सब कि काफ़ी सीरियस किरदार, बिकॉज व्हेन आई ओपन योर विकिपीडिया आल्सो द फर्स्ट लाइन इज लाइक दैट, सीरियस एक्टर। नो आई एम एक्टर, आई एम अ वेरी सीरियस, आई वांट टू बी एन एक्टर, बट यस आई एम अ वेरी फन लविंग एंड वेरी हैप्पी सोल पर्सन। सो आई ऑलवेज फील के कभी मुझे ऐसा रोल मिले तो मैं कितनी पगलेट हूँ लोगों को पता भी चले कम से कम। लेकिन अक्सर आपको किरदार ऐसे ही मिलते हैं थोड़े यू नो सीरियस एंड ऑल ठहराव होते हैं, या फिर वो बहुत प्रिंस, या आई एम अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स और मैं बहुत हर तरीके के लिए अगर सही है गलत के लिए झगड़ा करती हूँ, ऐसी मैं इंसान हूँ। पर उस अगर उस एंगल से देखा जाए तो मैं बहुत फन लविंग हूँ, मैं बहुत मस्ती करती हूँ। मुझे सेट पे कभी कभी मुझे चुप कराने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है कि प्लीज़ उनको चुप बैठाओ अभी। बट ऐसे रोल मिलते हैं, हाँ कभी वो रोल मिला तभी मिलने वापस आ जाना मुझे। वी वुड लव टू कम फॉर दैट। ओके, जब बात इस किरदार की करें और स्पेशली लुक की करें, सो मराठी गेटअप जो होता है एक नॉर्मल लेमेन लैंग्वेज के हिसाब से इट्स लाइक नवारी ओनली। हम उसी साड़ी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि किस तरह के लुक्स होते हैं। और आप कहीं सारी मराठी शोज कर चुके हैं, सो वी वुड लव टू नो ये पैटर्न जो आपने पहना है वो क्या है और कितने पैटर्न्स होते हैं। देखिए नवारी के बेसिकली 3 to 4 पैटर्न्स हैं। वन पैटर्न वो जो हम फेमस नवारी जैसे हम बोलते हैं तब देखते हैं, उसे देशमुखी नवारी कहते हैं। जैसे देखा जाए तो ये जैसे आपको पैंट की तरह दो दिखते होंगे, तो ये जनरली लावणी फॉर्मेट होता है क्योंकि डांस करने के लिए जो इजी होता है, और उसका जो काष्टा होता है जो पीछे हम लोग जैसे इट्स 12 yards to 11 yards और 9 yards, सारी नवारी मतलब 9 yards, तो लेकिन वो अगर देशमुखी है तो वो 11 yard तक चली जाती है। और बाद में जो पीछे काष्टा होता है जो मराठा और ब्राह्मण लोगों में होता है वो सिंगल काष्टा होता है, लेकिन डांस के लिए होता है वो डबल काष्टा, जैसे वो साड़ी की बॉर्डर 2 sides करके वो वैसे उसके प्लेट्स पीछे की तरफ बना के डबल साइड बनाते हैं वो डांस। वो सारी साड़ियाँ पहननी और पहनानी आती है? पहना नहीं, मतलब मैं खुद पहन सकती हूँ, पहना नहीं सकती किसी को, बट पहनने आती है। सेकेंड इज ऐसे ब्राह्मणी नवारीज जो हम लोगों ने आपको समझने के लिए बाजीराव मस्तानी में पहनी हुई है प्रियंका जी ने, नॉट दीपिका जी, आई थिंक सो उसने भी पहनी है वंस वंस पिंगा के लिए। पर जो बाकी सारी किरदारों ने उस बाजीराव मस्तानी में नवारी पहनी उसे ब्राह्मणी कहते हैं। जो ये 2 sides होता है उसके बाद यहाँ से एक पल्ला आता है और ऊपर से, हाँ तो उसे मराठी में ओचा कहते हैं। तो वो ओचा किस लिए होता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी, मतलब वन ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी तो वो ओचा जो होता है उसमें वो इमली आम या उनको जो अच्छा लगता था, और वो घर में देते नहीं थे ना सास, बच्चियाँ शादी होके छोटी बच्चियाँ आती थी तो उनको खाने को अगर कुछ अच्छा लगता तो वो उसमें छुपा लेती थी उस वजह से। और जो ओचा मतलब वो जो वो पोर्शन आता है वो ऐसे ना सुपारी लेते थे और सुपारी में बांध के यहाँ पे करते, क्योंकि सेफ्टी पिन्स नहीं होती थी तो छूट जाए साड़ी, तो अगर वो सुपारी अंदर है तो वो अटक जाएगी, वो छूटेगी नहीं, इसलिए वो सेकंड टाइप की है। और थर्ड आई एम सेइंग इज देशमुखी साड़ी विच इज़ वोन बाय मराठा। जैसे आप अगर ये सीरियल्स देखो, जिजामाता सीरियल देखो, शिवाजी महाराज पे सीरियल, संभाजी महाराज, तो ये सब जो सीरियल्स थी उसमें मराठा स्टाइल की साड़ी जिसमें ये टो साइड जो है जो ऐसे पैंट जैसे वो पूरा खुला हुआ रहता है, सो दैट लुक्स वेरी रॉयल, मतलब यू नो। और वो जो औरतें चलती थी वो पैर मुड़प के चलती थी ऐसे, बिकॉज साड़ी पैर में आती थी ना तो वो छोड़ के चलती थी, सो देवर यूज टू वॉक लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली अगेन 3 types ऑफ डिफरेंट साड़ीज आई कैन सी इन एक्चुअल नवारी साड़ीज ऑल्सो। सो आई एम श्योर कि आज आपको काफ़ी कुछ मराठी साड़ी के बारे में मालूम चला होगा जो यूजली हमें पता नहीं लगता। आई एम श्योर आपके लिए भी मराठी साड़ी यानी नवारी यार। सो आई एम श्योर आपको इसके बारे में मालूम चला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो वी विल ट्राई कि मैम पहना के दिखाए किसी को वो साड़ी, राइट? पक्का पक्का, आई विल डू इट, नेक्स्ट टाइम वी विल मैनेज इट, बिकॉज आजकल शूटिंग्स पे टाइम कंस्ट्रेन और आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन दे स्टिचिंग द साड़ीज बिकॉज पीपल दे डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू कॉन्टैक्ट विद मेनी पीपल, बिकॉज द पर्सन हु इज वेयरिंग साड़ी इज डिफरेंट, पर्सन हु इज स्टाइलिंग योर हेयर इज डिफरेंट, पर्सन हु इज मेकअप इज डिफरेंट, तो इतने लोगों की मतलब यू नो कोई नज़दीक इतने लोग ना आए, इसलिए अभी आजकल स्टिच साड़ी है, सो वी कैन मेक it on our own, but the beauty and the grace of wearing a saree is always beautiful, no doubt. Yeah,
तो चलिए, आपको अगर लुक वगैरह ट्राई करना है तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, देख सकते हैं, और टाइप्स ऑफ साड़ीज तो आपको आज मैम ने बताई दी है। एंड लास्टली, व्हाट यू वांट टू से टू द ऑडियंस, क्योंकि नया किरदार, नया शो जिसका आज प्रोमो शूट हो रहा है, सो जैसे मैंने कहा कि ये एक सच्ची कहानी है, पर मुझे अच्छा इस बात के लिए लग रहा है कि महिलाओं के लिए साई ने जो काम किया है वो लोगों को इस सीरियल के माध्यम से पता चलेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी हम साई चरित्र पढ़ते हैं, जब भी हम शिरडी की बातें करते हैं, तो हम हमेशा श्रद्धा सबूरी, जो उनका मेन मोटो था लाइफ का, वो हम लोग सुनते हैं, उसकी कहानियाँ सुनते हैं। पर श्रद्धा सबूरी करते वक्त उन्होंने क्या क्या किया था, श्रद्धा किस चीज़ में दिखाई थी, श्रद्धा उन्होंने इंसानों में दिखाई थी, श्रद्धा उन्होंने इंसान के मन पर दिखाई थी, तो इस ये सब करते वक्त जिस काल में वो थे, उस काल में श्रद्धा उन्होंने महिलाओं में भी दिखाई थी। आप बाइजा माँ की स्टोरी देखिए तो वो हमेशा उनकी माँ की तरह, हालांकि उनके उम्र में इतना अंतर नहीं था, लेकिन वो भी उनको माँ लगती थी, उनके साथ बेटी है, तो हमेशा उन्होंने महिलाओं पे श्रद्धा रखी है और सबूरी दी है लोगों को कि वो महिलाओं को, मतलब ना देवी ना कोई गंदी नज़र से देखे, पर उसे इंसान के रूप में देखे। ये जो श्रद्धा और सबूरी का संदेश महिलाओं के माध्यम से उन्होंने दिया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और यही किरदार मैं निभा रही हूँ जिसमें वो साई हमें बता सकते हैं, ये मेरे लिए सचमुच गर्व की बात है। सो इस किरदार को भी देखिए और इस शो को भी देखिए जिसका नाम है मेरी साई, जो आता है सोनी चैनल पर। और फिलहाल आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, तो पर्दे के पीछे की इस तरह की गपशप आप यहां पर देख ही सकते हैं। सो लेते हैं इस वक्त आपसे विदा, ऑल द बेस्ट फॉर द कैरेक्टर मैम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। कैमरा पर्सन नवनाथ के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।